जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, लोगों को कड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ लोगों को कोरोना से पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ पशु पक्षी अपने जीवन के सुखदायी पल बिता रहे हैं। ऐसे ही कई किस्से हमें अपने देश में देखने को मिले। चलिए हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। हमारी संवाददाता दिया काजीरंगा नेशनल पार्क में मौजूद है, जो हमें वहाँ का माहौल बताएंगी। नमस्ते, मैं दिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हूँ। यह उद्यान गेंडों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ का माहौल काफ़ी खुशनुमा है, तो आइए जानते हैं क्यों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही तस्वीर में एक साथ 10 गेंडों को देखा गया है। उद्यान के लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार देखा गया है। आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन के कारण लोगों के यहाँ आना जाना बंद है। इसी चहल पहल के ना होने के कारण गेंडे अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और आज़ाद महसूस कर रहे हैं और पर्यावरण का आनंद भी ले रहे हैं। कैमरामैन रोहन प्रीत के साथ मैं दिया, कथा न्यूज़। धन्यवाद दिया, बड़ा ही अच्छा लगा हमें यह खबर जान के कि अब गेंडे भी इस लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है। हमारी अगली खबर आ रही है संगम के शहर से। देखते हैं कि वहाँ के जीव जंतु कैसे इस लॉकडाउन का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता रमन की रिपोर्ट। हर हर गंगे गंगा तेरा पानी अमृत, इस नगरी में घुसते ही हमें यह मंत्र सुनाई देता है। अब तो आप समझ चुके होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं रमन इस वक्त इलाहाबाद के संगम पर मौजूद हूँ, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर संगम के साफ पानी पे मछलियाँ खेलती कूदती हुई नज़र आ रही है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही खुश है और इनकी जनसंख्या पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और कोरोना महामारी के कारण कारखाने और फैक्ट्रियाँ बंद थी, जिससे इनका गंदा पानी हमारे नदियों तक नहीं जा सका और हमारी नदियों का पानी अब काफ़ी हद तक साफ सुथरा भी है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है ताकि ये माहौल ऐसा ही खुशनुमा बना रहे। मैं कैमरामैन सुप्रिया के साथ रमन, कथा न्यूज़। धन्यवाद रमन, हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी जीव जंतु अपनी प्राकृतिक जिंदगी जी पाए। हमारे संवाददाता शशिकांत, जो जयपुर के आमेर किले में मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि कैसे लगी सालों से आ रही हाथियों की सवारी पर रोक। नमस्कार, मैं कब रिपोर्टर शशिकांत, मैं अभी जयपुर के आमेर के किले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किले को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं और वो हाथी के ऊपर बैठकर पूरे किले की सैर करते हैं। कोरोना के चलते किले को बंद करवा दिया गया, जिसकी वजह से हाथी बहुत खुश है। हाथी खुश इसलिए है क्योंकि टूरिस्ट उनकी पीठ पर बैठ के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे किले की सैर करते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। लेकिन अब टूरिस्ट ना आने की वजह से हाथियों को जंगल में छोड़ दिया गया है, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो अपनी प्राकृतिक जिंदगी जी रहे हैं। मैं कैमरामैन विजय के साथ शशिकांत, कथा न्यूज़। धन्यवाद शशिकांत। जानवर इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे भी। ऐसी खबर हमारी संवाददाता माया गोविंदपुरी से लेकर आई है, एक अनोखी खबर। मैं कब रिपोर्टर माया गोविंदपुरी के इलाके में मौजूद हूँ। आइए मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जहाँ सभी खुश और मिलजुल कर रहते हैं। चलिए इनसे बात करके इनके घर के अनोखे सदस्य के बारे में जानते हैं। नमस्ते रिहान, कथा न्यूज में आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन में आपका अनुभव कैसा रहा? मेरे मम्मी पापा और टीचर ने मना करा था कि लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं जाना है, तो फिर मैं घर ही घर में रह रहकर बहुत बोर हो चुका हूँ। आपने बोर हटाने के लिए आपने क्या किया? मैंने घर ही घर में एक पेट पाल लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसका नाम रॉकी है। मैंने इसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर लेता हूँ अपना, और इसके साथ मैं बातें करता हूँ। जब मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं इसके साथ खेलता हूँ, बातें करता हूँ। तो देखा आपने, एक जानवर ने एक इंसान की कैसे मदद की लॉकडाउन में ना निकलने की। मैम माया, कथा न्यूज, धन्यवाद। धन्यवाद माया। तो देखा आपने कि कोरोना के चलते आप देख सकते हैं कि लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पशु पक्षियों को राहत व उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। इंसान ने अपने स्वार्थ के खातिर
पशु पक्षियों को पीड़ित किया है, लेकिन कोरोना ने उन्हें एक राहत दी है। अंत में मैं आपको एक श्लोक के साथ समाचार का दौर खत्म करूंगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात दुनिया में सभी खुश रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है दिल से। धन्यवाद।